नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो सेशन है हिस्ट्री का तीसरी क्लास है। अभी मैंने दो क्लास ले लिया है आपका। पहले में मैंने अरब इन्वेजन बताया, जो दूसरी क्लास थी मेरी उसमें मैंने तुर्क इन्वेजन स्टार्ट किया था, जिसमें आपको गजनवी के आक्रमण को मैंने बताया था। गजनवी आता है कैसे, 17 बार यहाँ आक्रमण करता है, उसके बाद से लूट के ले जाता है यहाँ की धन दौलत, यहाँ कई मंदिरों को तोड़ता है, जिसके वजह से यहाँ के जो इतिहासकार थे उसे मूर्ति भंजक भी एक नाम देते हैं। तो ये सब मैंने जिक्र कर दिया है प्रीवियस के जितने हमारे लेक्चर हुए हैं, आप लोग सभी लोग जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट से हिस्ट्री के। आज हम बात करेंगे गोर साम्राज्य की, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का, उसका क्या वास्तविक रीज़न था, क्यों आक्रमण किया, उसका एम क्या था, इन दोनों से क्या डिफरेंट था या सेम था, ठीक है, उसके बारे में चलेंगे हम जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको मूलभूत सूचना दे रहा हूँ। ये जो अभी आपको लेक्चर मिल रहा है जिसके तहत वो 10+ कोर्स है, जिसमें आपको पूरे के पूरे जो है वीडियो फ्री हैं, कोई भी आपको कॉस्ट पे नहीं करना है वीडियो के लिए 10+ कोर्स में। सिर्फ आपको इस जितने भी क्लासेस होती हैं हमारी डेली बेसिस पे, अगर आप उसके PDF चाहिए आपको, तो 3 महीने का PDF का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो सिर्फ मात्र 499 रुपये हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 150 रुपये महीने आपको पे करना है। तो इसमें जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसे लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन पे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी, देखिए जो स्टार्टिंग है इसमें, पहले क्या हुआ कि मैंने जो बताया आपको कि गजनी आता है कहाँ से, गजनी साम्राज्य से आता है। गजनी एक अफगानिस्तान में जगह थी, पहले गाजा के नाम से जाना जाता था। अब वहाँ से क्या हुआ कि धीरे धीरे जब 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है गजनवी की, तो जो गजनवी साम्राज्य था वो धीरे धीरे टूट जाता है, बिखर जाता है, कई कबीलों में बिखर जाता है। उसी तरह एक पहाड़ी का कबीला है, धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती है, जिसका नाम था गोर कबीला, ठीक है। उस गोर कबीले के बारे में बताएंगे हम आपको, वही आके गोरी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो जो ये गोर कबीला था, ये मोहम्मद गोरी के जो चाचा थे, जिनका नाम था क्या, अल्लाउद्दीन जहांसोज, ठीक है, अलाउद्दीन जहांसोज नाम था इनका, कहीं हुसैन मिलता है इनका नाम। तो उन्होंने ही इस गोर कबीले का जो है गोर वंश के नाम से स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद से इनके जो बड़े भैया थे जहांसोज के, इनमें काफ़ी मतभेद था, जिसके कारण क्या किया, उनके जो दो लड़के थे ग्यासुद्दीन मोहम्मद गोरी और सयाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है, उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। बाद में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो इनका बेटा जो है गोर के गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था सैफुद्दीन, वो दोनों को क्या करता है, रिहा कर देता है। और जैसे ही रिहा करता है तो मोहम्मद गोरी का जो भाई था गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी, वो क्या करता है, इनका तख्ता पलट कर देता है और अपने गद्दी पर बैठ जाता है और गोर को अपनी राजधानी बना लेता है। वो समय काल था कितना, 1163, ठीक है, 1163 में। फिर धीरे धीरे ये क्या करते हैं, राजपाट त्याग देते हैं इनके बड़े भैया मोहम्मद गोरी के, गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी, और कहाँ चले जाते हैं, और ये अफगानिस्तान के पास कहीं चले जाते हैं, वहाँ पे अपना, उसके बाद सब राजपाट अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को दे देते हैं। तो मोहम्मद गोरी आपका बैठता है कब, 1173 पे से लेके 1206 तक रहता है, इसका समय काल है। तो जैसे ही इसके हाथों में गोर का बागडोल आता है संभालने के लिए, अभी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ता है। तो इसकी जो रणनीति थी, इसका जो अटैक करने का वजह था, उसमें दो रीज़न मेन है, एक तो इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा ही इस्लाम साम्राज्य का विस्थापन करना, मतलब इस्लाम साम्राज्य को बढ़ावा देना। तो उसी मकसद से कि हम अभी तक जो दोनों ने आक्रमण किया, गजनवी ने और आपके मोहम्मद बिन कासिम ने, वो कभी यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने का मकसद उनका यह नहीं था कि हम यहाँ पे राज करेंगे। उनका मकसद यह था कि हम धन दौलत लू के ले जाएंगे और हम अपनी फुलफिलमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो उसे फुलफिलमेंट करेंगे। मगर जब मोहम्मद गोरी का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है बच्चों, कि इनका जो मकसद होता है ये होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ धन ही नहीं लूटेंगे, हम यहाँ पे राज भी करेंगे, हम अपना साम्राज्य यहीं बनाएंगे, ठीक। तो इसी मकसद से मोहम्मद गोरी एंट्री मारता है भारत में आक्रमण करने के लिए। तो वो गजनी से चलता है, यहीं गोर पड़ेगा आपका अफगानिस्तान में, इस फिगर में आपको दिखेगा क्लियर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा ये फिगर। ये यहाँ पे गजनी है,
यहाँ अफगानिस्तान के पास मैंने पढ़ाया भी था आपको, अफगानिस्तान में ही गजनी पड़ता है, यहीं गोर पहाड़ी पे गोर वंश का जन्म हुआ और यहीं से आपका मोहम्मद गोरी एंट्री मारता है। गोलमल गोमाल पास है यहाँ पे, गोमाल दर्रे से यहीं से होके वो पहली बार कहाँ आता है, मुल्तान में आता है। वो समय काल क्या था मुल्तान में उसका, वो था 1175 में। 1175 में आपका मोहम्मद गोरी पहली बार मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान के जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं, दाऊद होते हैं। काफ़ी युद्ध होता है, फिर दाऊद बाद में हार मान जाता है, ठीक है, हार मान जाता है जैसे ही, तो फिर यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है मोहम्मद गोरी का कि हमने पहला आक्रमण किया और जीत लिया। और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं भाई वो, तो ये कहाँ पहुँचते हैं, ये माउंट आबू के आसपास पहुँचते हैं। ये समय था 1178, उसी समय गुजरात में सोलंकी वंश का राज था। मैंने अब उस समय भी बताया था जब गजनवी आक्रमण करता है कहाँ पे, सोमनाथ मंदिर पे, तो उसमें भी सोलंकी वंश का राज था, चालुक्य सोलंकी वंश के। तो जिसके जो राजा थे वो कौन थे, भीम फर्स्ट थे। अब यहाँ जो राजा होते हैं वो भीम सेकेंड होते हैं, मगर बहुत छोटे होते हैं, इतने नहीं होते हैं कि वो लड़ाइयाँ लड़ सकें। मगर एक बोला जाता है ना कि उनका राज तिलक हो जाता है तो राजकुमार वही कहलाएंगे, राजा वही कहलाएंगे, ठीक। तो वही भीम सेकेंड यहाँ के राजा थे, जो लड़ाई होती है उनकी जो माँ होती हैं उनके ये देखरेख में लड़ाई होती है, जिनका नाम था नायिका देवी। तो पहली महिला थी जो यहाँ पे, एक तरह से बोल सकते हो महिला से हारने वाला मुस्लिम शासक ये पहला था, कौन, गोरी, ठीक। तो यहाँ नायिका देवी से उनका युद्ध होता है और ये हार जाता है यहाँ पे माउंट आबू के पास। गुजरात से आपकी आती है सेना, आती है यहाँ से और यहाँ पे युद्ध होता है माउंट आबू के पास। यहाँ जैन मंदिर भी आपका प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, यहीं पे आपका लड़ाई होता है और यहाँ से हार जाती है। तो यहाँ से मोहम्मद गोरी क्या करता है, फिर से वापस दुम दबा के भाग जाता है और यहाँ से देखिए फिर से गजनी चला जाता है जहाँ से आया था वो। और अब अपने सोचने लगता है भैया कि वो बहुत ताकतवर हैं, ऐसे नहीं कि सिंपल तरीके से वो हमसे हार मान जाएंगे इंडिया वाले, हमें और सेना के साथ और हथियारों के साथ जाके अटैक करना पड़ेगा। इसी रणनीति बनाता है और ऐसे ही रणनीति बनाते बनाते फिर वो दोबारा जो है खैबर पास से आता है। और कहाँ अटैक करता है, खैबर पास से आते ही सबसे पहले वो अटैक करता है आपका लाहौर के पास। लाहौर में गजनवी का एक गवर्नर नियुक्त किया था, उसे क्या करता है, बंदी बना लेता है छल से। उसके बाद से धीरे धीरे वो, ये जो समय था ये यहाँ पे आक्रमण करने का, इसका 79 से लेके 86 के बीच में बोला जाता है, ये है इसका समय काल। 78 में तो हार ही गया था, 79 में आया लाहौर पे, वो जीत लिया। फिर वहाँ से आगे बढ़ा, कहाँ बढ़ा, भटिंडा के पास बढ़ा, ठीक, भटिंडा के पास बढ़ा, भटिंडा में भी जीत हासिल कर लिया। और भटिंडा को उस समय क्या बोला जाता था, तबर हिंद बोला जाता था। और ये जो भटिंडा है आपका पंजाब में पड़ता है और तबर हिंद उस समय नाम था इसका। तो ये जो भटिंडा है ये आपके अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उसके अंतर्गत आता था, ठीक है, तो उन्हीं का राज चलता था यहाँ पे। तो जैसे ही ये यहाँ पे आपका राज कर लिया मोहम्मद गोरी, तो उनको पता चला पृथ्वीराज चौहान को, तो वो कहें अरे तो गड़बड़ हो गया, ये तो मेरे राज तक आ गया है, अब आक्रमण करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, देखो यहाँ दिल्ली दिख रहा है और यहाँ तराइन दिख रहा है, यहीं पे दोनों लोग भिड़ते हैं तराइन में आके हरियाणा के पास, ठीक है। तो अब पृथ्वीराज चौहान की बात आ गई, तो थोड़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सभी लोग जानते हो चौहान वंश, उसी के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। बहुत छोटे से उम्र में इनका राजाभिषेक हो गया था अजमेरू में। और कहीं कहीं आपके पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के हिसाब से इनका दो जगह राजाभिषेक हुआ था, एक तो आपका दिल्ली में हुआ था, एक आपका यहाँ अजमेर जो दिख रहा अजमेर में हुआ था। बोला जाता है पृथ्वीराज रासो के हिसाब से कि दिल्ली में उनके नाना थे और उनकी काबिलियत देखकर दिल्ली का भी राजाभिषेक कर दिए। और ये पृथ्वीराज रासो की कहानी है, हकीकत नहीं, इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं। पृथ्वी 13 साल के होते हैं तभी उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो सभी कुछ जो है इनकी माँ संभालती हैं और उनके माँ के बारे में भी मतभेद हैं कई कहानियों में। जैसे पृथ्वीराज रासो जो हैं आपके चंद्रबरदाई जो लिखे हैं वो बोलते हैं कि इनकी जो माँ थी वो कमला देवी थी, वो दिल्ली की किसी मतलब राजकुमारी थी, दिल्ली की तनवर वंश की राजकुमारी थी, उनसे हुआ था, उन्हीं से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। मगर इतिहासकार इसे गलत ठहराते हैं, वो कहते हैं कि जो सोमेश्वर थे उनका जो शादी हुई थी, उनका जो मैरिज हुआ था वो त्रिपुरा की कोई राजकुमारी थी कपूर देवी, ठीक है, कपूर
कृपूरा देवी नाम था उनका, उनसे हुआ था। उन्हीं के जो पुत्र थे आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड हैं तीसरे, ठीक, वो हुए और हरिराज हुए थे, दो पुत्र हुए थे। तो यही सब मतभेद है, ये सभी चंद्र बरदाई और एक पृथ्वीराज विजय आपकी मिलेगी बुक है दोनों, उन्हीं पे ये पृथ्वीराज के पूरे जो साम्राज्य है उनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो फिर ये पृथ्वीराज चौहान जो है धीरे धीरे अब ये देखते हैं कि ये तो बहुत हो गया, तो अब ये भी इधर से आगे बढ़ता है मोहम्मद गोरी, और बात है 1191 की, ठीक है, 1191 की तराइन के पास ये आ जाता है। और यहाँ से दिल्ली से मैंने जो बताया कि आपको दोनों जगह का इनका राज्य अभिषेक हुआ था, ये सब कब्जे किसके कब्जे में था, ये सब इनके कब्जे में था किसके, पृथ्वीराज चौहान के। उसी समय की एक बात है कि जब इन्होंने, ऐसा नहीं था कि इनके साथ कोई और खड़ा नहीं हुआ, क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों पृथ्वीराज चौहान ही अकेले अटैक करने गए तराइन पे मोहम्मद गोरी से, भाई और भी राजाए थे, कन्नौज के थे आपके जयचंद थे, यहाँ पे आपके गुजरात के थे वही भीम सेकंड थे, तो क्यों नहीं उनका सहायता किए कि भाई कोई अलग से आक्रमण करने आ रहा है हमारे देश में तो हम उनकी सहायता करें और उसे भगा दें, ठीक। तो इसलिए नहीं किया, कहीं ना कहीं इनके लिए मतभेद था, इन लोगों में मतभेद किसको लेके था, सभी को अपने अपने राज्य के लिए मतभेद था, अपने राज्य को बढ़ावा देना था, किसी के अंदर ये नहीं सोच थी कि हमें एक केंद्र की तरह एक केंद्र शासित होके राज करना चाहिए, कि मतलब एक सेंट्रल पावर किसी के पास हो और उसी को हम उसी के अंतर्गत हम आए, एक साम्राज्य की तरह राज करना, ये किसी के अंदर नहीं था, सबके अंदर अपने अपने राज्य को लेकर चिंता थी। इसी वजह से क्या होता है, गुजरात वाले क्या जो आपके भीम होते हैं सेकंड होते हैं वो उनका नहीं करते हैं, और जो जयचंद थे वो नहीं करते इनका सपोर्ट पृथ्वीराज चौहान का, तो उसमें आपके चंद्र बरदाई की जो लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, उसके हिसाब से बोला गया है कि क्या हुआ है कि जब उनकी लड़की थी जयचंद की संयोगिता, उनका स्वयंवर होता है, उसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान जो है क्या करते हैं उनको जाके उठा लाते हैं संयोगिता को, और उनसे शादी कर लेते हैं, गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो इस वजह से जयचंद उनसे गुस्सा हो गया था, और गुस्सा होने के कारण कहीं कहीं ये बोला जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को कहा था कि भैया तुम आओ और अटैक करो, ठीक, मगर इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं, ठीक, ये रीजन था। तो भैया चलो उनका तो समझ में आ गया कि कन्नौज के राजा जो जयचंद थे कि क्यों इनकी सहायता नहीं किए, तो भीम सेकंड क्यों नहीं सहायता किए। तो इन पे भी चंद्रबरदाई के हिसाब से, ना कि इतिहासकारों के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ कि चंद्रबरदाई ने लिखा है कि जो इनके पिता थे सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के, उनकी जो है मृत्यु जो है भीमा सेकंड ने किया था, जिस वजह से इनके दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद था। मगर इतिहासकार यहाँ ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी भीमा सेकंड बहुत छोटा था, राजगद्दी पे नहीं बैठा था, ठीक। तो इनके बीच में विवाद किसके लिए था, क्यों नहीं ये सपोर्ट किए, तो इनके बीच में जो विवाद था वो अपने राज्य को लेकर था, सीमाओं को लेकर था, इस वजह से सपोर्ट नहीं हुआ। तो चलो भैया किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, तभी भी पृथ्वीराज चौहान इतने वीर थे कि वो अपने अकेले, ठीक है, चले गए कहाँ, तराइन के मैदान में। अब 1191 में दोनों लोग मिलते हैं, यहाँ पे दोनों सेनाएं मिलती हैं, और इनके जो गवर्नर थे सेना के वो थे गोविंद राज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के। तो इन दोनों सेनाओं में क्या होता है, जब आपका मोहम्मद गोरी घोड़े पे बैठा हुआ आक्रमण करता है, तो पृथ्वीराज चौहान के जो गवर्नर होते हैं गोविंद राज, वो भी क्या करते हैं, वो टारगेट कर लेते हैं, वो पहले जान जाते हैं कि अगर किसी भी युद्ध को जीतना हो तो पहले किस पे अटैक करो, पहले उसके राजा पे अटैक करो, अगर राजा हार जाएगा तो समझ लो सेना अपने आप सभी अस्त्र शस्त्र डाल देगी। तो उनका दिमाग यहाँ क्लिक करता है, और तुरंत क्या करते हैं, अपना घोड़ा लेकर जाते हैं और भाला के साथ पहले ही भाला मार देते हैं, किसको, मोहम्मद गोरी को मार के घायल कर देते हैं। देखते देखते उनका एक मोहम्मद गोरी का जो है सैनिक होता है, सेनापति होता है, वो देखता है अरे गोरी घायल हो गया है, अभी सेनाओं का मनोबल टूट जाएगा, तो वो क्या करता है, गोरी को घोड़े पर बैठाता है और लेके भाग जाता है, और सेना भी साथ साथ फरार हो जाती है। मतलब यहाँ कहा जाए तो 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और भाग जाता है। कई लोग इतिहासकार कहते हैं कि अगर पृथ्वीराज चाहते तो फिर से गोरी आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि अगर जब वो भाग रहा था तो उसे पकड़वाते और वहीं मार देते, खिस्सा ही खत्म हो जाता यहाँ से, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो बहुत दयालु थे।
ये बोला जाता है। फिर बाद में चलो एक बार हार गया आपका मोहम्मद गोरी, दूसरी बार अब उसे सगमा पहुंचा कि मैं हार चुका हूं, तो अब दूसरी बार वो फिर से अपने आप को इकट्ठा करता है, अपनी सेनाओं को, अपने पावर को फिर से इकट्ठा करता है और आक्रमण के लिए फिर से आता है। कब? 1192 में फिर से दोनों सेनाएं यहीं पे आपके तराइन के पास मिलती हैं। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उस समय भी पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं और इस युद्ध में क्या होता है कि आपका पासा जो है पलट जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब जहाँ से जैसे ही 1192 में मोहम्मद गोरी जीता, दिल्ली के लिए दरबार इसका मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना का दरबार जो है खुल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही इनकी हार हो गई तो अब यहाँ फिर से आ जाते हैं पृथ्वीराज रासो के हिसाब से। भाई साहब पृथ्वीराज चंद्रबरदाई दोनों साथी में थे, दोनों को बंदी बना के मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज रासो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वीराज रासो के हिसाब से क्या हुआ कि जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध ये लोग हार गए तो दोनों को बंदी बना लिया जाता है और कहाँ लेके जाया जाता है, गजनी लेके जाया जाता है और वहीं पे जो है जो आपका मोहम्मद गोरी है बैठा रहता है राज्य पे सिंहासन पे और बोलता है इनसे पृथ्वीराज चौहान से कि अपनी जो है नज़र नीची करो। तो पृथ्वीराज चौहान तो चौहान अपने मूँछों पर ताव देते हुए कहते हैं कि हम नीची नहीं करेंगे नज़र। उसी समय क्या करते हैं कि गोरी उनकी आंखों को फुड़वा देते हैं और अंधा बनवा देते हैं। अब इसका बदला लेने के लिए देखता है कि चंद्रबरदाई की बहुत हमारे साथ यातनाएं होंगी, बहुत हमें पर जुल्म होगा, तो किसी तरह हमें इससे यहाँ से निकलना है। वो एक प्लान बनाता है, प्लान बनाता है कि एक समारोह होता है, उसी समय कहता है कि पृथ्वीराज के पास एक कला है कि वो शब्द वेदी भर चला लेते हैं, मतलब शब्दों को सुनकर बाण जो है वो चला लेते हैं। तो गोरी कहता है ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, फालतू बोलना मत, बोलो मत ज़्यादा यहाँ। ठीक है, तो कहता नहीं ऐसा है सरदार, ऐसा वो कर लेते हैं। तो उसी में उनको भी कला का प्रदर्शन करने के लिए मौका मिलता है, तो वो अंधे तो थे ही, बाढ़ निकालते हैं। और चंद्रबरदाई वहीं पर अपने कविताओं की लाइनों में कहता है, क्या कहता है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है ना चुको चौहान। ठीक है, मतलब 4 बास 24 गज की दूरी पर, 8 अंगुल की दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, अब चूको मत चौहान, चला दो तीर। और यही सुनते ही बस वो क्या करते हैं, अपनी तीर चला देते हैं और सीधे जाके कहाँ, गोरी के गले में लग जाती है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये चंद्रबरदाई के हिसाब से है। और जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, इस डर से कि अब हमारे ऊपर तो और दिक्कतें आएंगी और यातनाएँ यहाँ के लोग करेंगे, इस वजह से वो दोनों क्या करते हैं, अपने आप को छुरा मार लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ये कहानी आपकी चंद्रबरदाई में है। मगर इससे हटकर इतिहासकार जिसे सही मानते हैं वो हसन निजामी की है। हसन निजामी जो हैं वो बताते हैं आपके, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से आपको, देखिए हसन निजामी के अनुसार जब युद्ध हुआ सेकेंड वाला, उसमें जब ये लोग आपके हारे तो उनके हिसाब से ये हुआ कि ये इन्हें यहीं पे अजमेर में मोहम्मद गोरी ने छोड़ दिया कि आप जो है यहीं पे रह के अपना सत्ता संभालिए। क्योंकि ये हसन निजामी कहते हैं कि उस समय अजमेर में कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को छोड़ा गया था, मतलब जब दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का तो मोहम्मद गोरी उसको अपने साथ नहीं लेके गया था, यहीं छोड़ दिया था। तो उसमें क्या सिक्कों में क्या मिला है कि एक तरफ मोहम्मद गोरी का जो है घोड़ा है और उनकी नाम लिखा हुआ है एक तरफ, और दूसरे तरफ क्या है, बैल है और पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये क्लियर होता है कि पृथ्वीराज चौहान वहाँ नहीं गए थे, ठीक है, गजनी नहीं, गोर नहीं गए थे, यहीं रह गए थे अजमेर में ही, अपना देख रेख रेख कर रहे थे उसके अंडर गाइडेंस में। तो ये हसन निजामी कहा है, इसी को मैक्सिमम इतिहासकार आपके क्या हैं, सही मानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जैसे अब देखते हैं हम 1192 में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा अब दिल्ली की तरफ रुख करते हैं कि अब हमें दिल्ली में अपना राज्य स्थापित करना है। उसी समय उनका एक दास होता है, कौन, मोहम्मद गोरी का, वो कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को
उनका चहेता दास होता है। अमीर ए आखुर शाही का जो है अमीर ए आखुर की पदवी जो दिए थे उनको, इसका मतलब होता है जो उनका घुड़सवार जो अस्तबल होता है उसका अध्यक्ष होता है। तो इसी को बाद में चल के क्या करते हैं, दिल्ली के आसपास का राजा नियुक्त कर देते हैं, ठीक है गोरी। उसके बाद से 1194 की बात है, ठीक। अब इनके मदद से, किसके, ऐबक की मदद से गोरी आगे बढ़ता है, किसके पास, जयचंद के पास जाता है। क्योंकि जो बोला जाता है ना कि जयचंद ने ही बोला था कि मोहम्मद गोरी आओ आक्रमण करो पृथ्वीराज चौहान पे, और बाद में सहायता नहीं करता है उनकी गोरी का, तो उससे गुस्सा रहते हैं गोरी की हमको बुला करो, आपने आया नहीं युद्ध करने। तो इसलिए 1194 की बात है, गोरी और ऐबक मिलकर चंदावर पर आक्रमण करते हैं, जहाँ के राजा गढ़वाल राजा रहते हैं जयचंद, और वो हार जाते हैं इस युद्ध को। फिर आगे जैसे चंदावर पे कब्जा हो जाता है, फिर क्या करते हैं कि उसके बाद इनके पास जो इनके गुलाम होते हैं, किसके, मोहम्मद गोरी के, कौन कौन साथ में रहता है, तीन इनके गुलाम रहते हैं। एक तो होता है आपका कौन, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्दौज, एक होता है कुपचा, ठीक है। तो ये उसी में से बख्तियार खिलजी एक गुलाम होता है, वो कहाँ पहुंचता है, बंगाल जाता है, ठीक है बंगाल जाता है, वहां लक्ष्मण सेन से जीत जाता है, और लक्ष्मण सेन से जीतने के बाद बिहार की तरफ रुख करता है, वहीं पे आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करता है। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला कौन था, तो वो कौन था, बख्तियार खिलजी था। वो किसका दास था, वो मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक। ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है गोरी, और 1206 की बात है, वो अपना लास्ट अभियान करता है, किसके प्रति करता है, पंजाब में खोखरों के प्रति, सिंध में, वहाँ पे करता है, और वहाँ पे वो बात अंतिम आक्रमण, और वहाँ पे क्या करता है, उनको हरा देता है। हराने के बाद जैसे ही सब कुछ अपने यहाँ के जो भारत में जो था वो अपने गुलामों के हाथों में करके जाता है लास्ट में, तो वही खोखर जो जनजाति है उनको मार देती है 1206 में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया रहता है अपने गुलामों में पावर का, उसे देख लेते हैं कि कैसे किसको कहाँ दिया रहता है राज। चलिए देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा का पूरा दिल्ली के आसपास का जितना भी राज्य रहता है वो दे देता है कि आप भैया दिल्ली को संभालो। यही चल के आगे आपके दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। और वास्तविक संस्थापक कौन होता है, इल्तुतमिश होता है, ये वास्तविक नहीं होते हैं मगर स्थापना गुलाम वंश की यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये आपका इल्दौज होता है, इसे गजनी का क्षेत्र मिल जाता है, ठीक, राज करने के लिए। और नसीरुद्दीन कुबाचा जो था, इसे क्या मिलता है, उच्च तथा सिंध का क्षेत्र जो पाकिस्तान में है वो मिल जाता है। तो ये अपने तीनों दासों में क्या होता है, बांट देता है अपने राज्य को, और मरने से पहले ये सब कर दिया रहता है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तुर्कों का आक्रमण का जो हुआ उसमें जो राजपूत थे क्यों हारे, क्या कारण थे, उन्हें देख लेते हैं कि क्या कारण था कि यहाँ पे तुर्क आक्रमण सफल हो जाता है और मुस्लिम साम्राज्य जो है स्थापन हो जाता है, ठीक है स्थापित हो जाता है। आक्रमण का कारण कई थे कि क्यों ये लोग सफल नहीं हुए, उसमें एक था ये कि इन पे राजनीतिक एकता नहीं थी, राजनीतिक एकता में कमी थी। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ आक्रमण हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान गए उसको गोरी से तराइन का पहले युद्ध में लड़ाई लड़ने, यहाँ दो लोग जो भीमा सेकंड हैं और आपके कन्नौज के जो राजा, उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या भाई, राजनीतिक एकता ही तो है, उनमें राजनीतिक एकता नहीं थी, इस वजह से क्या हो जाता है, ठीक। तो ये एक विफल का कारण हो गया। दूसरा है ये कि भारत में कई वर्ण जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसके कारण सामाजिक दुर्बलता थी, ठीक है, कई वर्गों में विभाजित था जिसके कारण ये सामाजिक दुर्बलता के कारण भी क्या थी, ये आक्रमण सफल नहीं होता है। और तीसरा ये था कि जो तुर्क की सेना थी उनके जो पास जो हथियार थे वो एडवांस लेवल के थे, उनके पास जो घोड़े थे वो काफ़ी अच्छे थे, ये भी एक कारण बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव, ये भैया बहुत अच्छा, ये मेंस में 2018 में आपको यही क्वेश्चन पूछा था, जिसमें हिस्ट्री जिसका ऑप्शनल था, सेकंड पेपर में आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि इम्पैक्ट ऑफ तुर्क इन्वेजन, इंडिया पे, भारत पे जो तुर्क आक्रमण हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा,
ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। तो आपको ये मैं पॉइंट कुछ बता रहा हूं कि इसमें क्या आपका प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव रहे। पहला प्रभाव तो यही रहा, मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई भारत में, पॉइंट ये। दूसरा ये संसार कई देशों से व्यापार बढ़ा उनका, ठीक है, जो जैसे ही यहाँ पे तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्कों का राज हुआ, तो कई देशों से हमारी जो व्यापार जो है वो भी बढ़ गए। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई, जो उनका समाज था उनमें ज्यादा भेदभाव नहीं था, हमारे यहाँ जो काफी भेदभाव रहता था राजपूतों में, तो उस चीजों में कमी आई, तो सम्राट जो आपका जो समाज था उसमें शक्ति उसकी जो है जो दुर्बल था पहले वो स्ट्रांग हो गया। उसके बाद 12वीं शताब्दी की बात है, चरखा जो है ईरान से भारत आया और कपड़े के उत्पादन में बढ़ावा मिला, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट है इसका। उसके बाद से जो आर्किटेक्चर है उसमें भी काफी परिवर्तन आए, ठीक। अगला क्या था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था विस्तार हुआ, मतलब अर्थव्यवस्था में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। तो ये इम्पैक्ट है, तुर्क आक्रमण जब हुआ, तुर्क आक्रमण का क्या इम्पैक्ट था, ये सभी इम्पैक्ट हैं कि जो भेदभाव थे समाज में वो कम हुआ, चरखा ईरान से भारत आया तो कपड़े उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, कई देशों से व्यापार जब बढ़ने लगा तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये सब इम्पैक्ट हैं। और यही 1206 में मैंने जैसे बताया कि आपको खोखरों से लड़ते इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, और यहीं से आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत अब स्टार्ट होता है। और दिल्ली सल्तनत में कौन आता है, सबसे पहले आपका गुलाम वंश आता है। तो हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे अपने नए सेशन में, जहां से हम पढ़ाएंगे आपको गुलाम वंश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास था उसको कहां से खरीदा गया था, कौन ला के मोहम्मद गोरी को दिया था। तो ये सब अब हम सेशन अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से। तब तक के लिए सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो, धन्यवाद।